फिर थोड़ी देर के बाद मुझे 2-1.5-2 बजे के करीब शाम का फोन आया, भैया कुछ वो ये क्या तुम्हारा, मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आप लोग तीनों बात कर लो जो भी है आप कर लो। तो इनकी कहाँ मीटिंग हुई कहाँ नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं। सुबह 8:30 बजे फोन आया मुझे कि भाई 50 लाख रुपए टोकन मिल रहे, तो प्रभाकर को दे रहे, तो प्रभाकर से मेरा कॉन्टेक्ट किया। नहीं ये बस। लेकिन इसमें मयूर गोले नाम का भी एक व्यक्ति है, उसका क्या रोल है? मयूर गोले भी उस दिन रात में साथ में था ना, श्याम डिसोजा, मयूर गोले, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ये लोग सब बॉम्बे में ही थे ना, मैं तो अहमदाबाद में था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि इनके बीच क्या अंदर के अंदर इनकी क्या सेटिंग हुई है। मयूर गोले कौन है, क्या करता है? मयूर गोले चैनल का दोस्त है, मैं कभी मिला नहीं उनसे। लेकिन ये बताइए कि क्या ये पूरा पैसा क्या एनसीबी के अधिकारियों से सैम का पहले से आगे था, क्या उन तक पैसे पहुंचाते थे, और क्या समीर वानखेड़े का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? सैनुअल डिसूजा का कहने के 4 महीना पहले जब उसने कहा था, तो ही मैंने सैनुअल डिसूजा के कहा ना कि मैं 25 लाख लेते ही छूट गया हूँ, कोई ड्रग केस में फंसा था तो 25 लाख लेते, तभी मैंने सैनुअल डिसूजा से कॉन्टेक्ट करके इनका कॉन्टेक्ट कराया कि इनका अच्छा भाई तुम्हारा काम करवा लो। हालांकि मेरे पास टिप नहीं है, टिप तो मनीष भानुशाली, मेरे पास व्हाट्सएप चैट है ना, व्हाट्सएप में मनीष भानुशाली ने मुझे भेजी है। आपके साथ मारपीट भी हुई, आप इतने दिन लोवेटर हो? मैं अहमदाबाद में था, मुझे अहमदाबाद में रोका गया था। किसने रोका? दोनों तीनों ने, मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, मैं अहमदाबाद में रोका था, अहमदाबाद में मेरे को रोका गया था। फिर 5-6 दिन पहले बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मेरा रूम रेंट का भी भाड़ा जो था, मेरे पास थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो धवल भानुशाली ने अहमदाबाद के होटल के पैसे भरे ना, इन्होंने ही पैसे भरे होटल के। आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप यहाँ? मेरे को दिल्ली में दबाव जा रहा था, दिल्ली में इन लोगों ने नवा होटल में बुलाया, मुझसे कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाए, मुझे मारा इन्होंने, धवल भानुशाली ने मारा, और मनीष भानुशाली ने किया कि तुम कुछ करोगे, तो फिर मेरे से कुछ रिकॉर्डिंग्स कराए गए। बाद में मैं जेल, क्या कहा गया रिकॉर्डिंग में? तुम अहमदाबाद बॉम्बे मत जाओ ना, किसी से मिलो ना, किसी से बात करो, तुम चुपचाप बैठे रहो कहीं पे। आप पर आरोप ये भी है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग का काम महाराष्ट्र में कराते, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की, अनिल देशमुख से आपके संबंध है, उनके बेटे ऋषिकेश से आपके संबंध है? पहली बात तो मैं ऋषिकेश देशमुख से मेरा आज तक हाय बाय नहीं, हाय बाय भी उससे नहीं है, हाय हेलो भी नहीं है, मेरा उससे कोई कॉन्टेक्ट एक पैसे का नहीं है। यहां तक कि मेरे पे आरोप लगा है कि नवाब मलिक जहां मैं रुकता था ललित होटल में आते थे, उनकी शक्ल मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी, रूबरू में कभी मिला नहीं उनसे, नवाब मलिक जी से। मेरे काफी मिनिस्टर से लिंक जोड़ा जा रहा है, तो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में निकालो ना। और जो सैम डी जो मोहित कंबोज ने रिकॉर्डिंग भेजा, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो किसकी आवाज है, क्या आवाज है, वलसे पाटिल का क्या नाम ले रहे हैं लोग, ये लोग सभी को बदनाम कर रहे, तो मुझे आज मजबूरी में आना ही पड़ा ना, क्योंकि मास्टर माइंड कह रहे ट्रांसफर का रैकेट चला रहे, ये सब रैकेट चलाते मास्टर माइंड कहते, तो मेरे पास करोड़ों रुपए होते थे, आज मैं 100 करोड़ का मालिक होता था ना, जाके देखो मोहित कंबोज को मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, जाके देखिए एक बार हो मोहित कंबोज। वो ये भी बोल रहे हैं कि आप एनसीपी के कार्यकर्ता नवाब मलिक को 20 साल से जानते हैं। नवाब मलिक जी से मैं जानता खाली हमारे नेता करके देखा था, बट आज तक मैं उनसे कभी रूबरू नहीं मिला। आप एनसीपी के कार्यकर्ता है? मैं 2016 तक था एनसीपी, 1999 से 2016-17 तक एनसीपी का कार्यकर्ता था, उसके बाद मैंने राजनीति से हट गया हूं मैं, मेरा क्या संबंध उनसे। खाली ये जो मनीष भानुशाली जो लेके जाते थे बीजेपी के लीडरों के पास मेरे काम के लिए, लोग मिलाते थे, उतना ही संबंध है मेरा। लेकिन एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं कि अहमदाबाद ये सेंटर क्यों है, गुजरात बार बार गुजरात का नाम निकल कर क्यों आ रहा है, गुजरात आप लोग क्यों जाते थे, क्या गुजरात में मनीष भानुशाली किसी मिनिस्टर के संपर्क में रहता था, क्या वहां से ये सब ऑपरेशन चल रहा था? मनीष भानुशाली के वहां पे काफी संबंध है मिनिस्टर लोगों से, तो मुझे मिलाता भी था, हम लोग बात भी करते थे वहां पे, बस उतना ही है, उसका क्या संपर्क हो मनीष भानुशाली जाने और वो लोग जाने, ये तो मुझे तो खाली इतना कांटेक्ट निकालने लेके लिखा, तो मैंने कांटेक्ट निकाल के सैम डिसूजा का दिया, बाद में क्या डीलिंग हुई क्या नहीं हुआ, मुझे खाली सुबह 8:30 बजे दूसरे दिन बोला गया कि 50 लाख रुपए रखने कहाँ रखने, बस उतना ही है। मैंने 50 लाख रुपए इन लोगों ने लिए थे, फिर वापस क्यों करने पड़े? वापस इसलिए करने पड़े कि फिर बाद में काम नहीं हुआ, तो मुझे काम क्या था? आर्यन खान के मैटर में काम था, क्या था यानी आर्यन खान की गिरफ्तारी ना हो उनको छुड़वा दे क्या? वो उनको ही पता, वो डीलिंग वो कर रहे थे, तो मुझे खाली 50 लाख का कहा गया था, वो वही थे ना साथ में, वो लोग मनीष भानुशाली, तुम्हारा किरण गोसावी, सैम डिसूजा, ये लोग सब साथ में ही थे ना रात भर। तो क्या आपको ये लगता है कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा था, ये पहले से
प्लांट था, इनको मालूम था वहाँ आर्यन खान आने वाला है। मैंने जब लिस्ट मुझे मनीष भानुशाली ने भेजी थी तो मैंने दूसरे दिन चेक किया, वो लोग कुछ 27 नाम ले रहे मोहित कंबोज, तो मेरे पास आई थिंक 14-15 लोगों की लिस्ट मनीष भानुशाली ने मुझे भेजी थी, तो उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था ना अरबाज खान का नाम था, उसमें मुनगुन धमेजा का एक नाम है, मैं लिस्ट आपको दे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या समीर वानखेड़े इस मामले में वसूली का काम करते थे सैम डिसूजा के साथ मिलकर? जब सैम डिसूजा ने 4 महीना पहले पैसे दिया है वो खुद एग्री करता है, तो अब सैम से ही पूछो, उसका हो सकता है तभी तो उसने पैसे देके छूटा हो 4 महीना पहले जून में। समीर वानखेड़े और उनके लगातार बातचीत होती थी? वो मुझे आइडिया नहीं, पर आपके आपके दोस्त तो आपको मुझे आइडिया नहीं। समीर जैसे आपने इंट्रोड्यूस करके दिया सैम को, दूसरे दिन एनसीपी के अधिकारी रेड करने चले गए, यानी बहुत अच्छा संबंध होगा तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, मेरी समीर वानखेड़े से या कोई भी एनसीपी के ऑफिस से आज तक कभी बात नहीं हुई, खाली मुझे जो सैम ने समीर वानखेड़े जी का नंबर सैम ने ही भेजा था, मेरे व्हाट्सएप चैट में है, सैम ने ही भेजा था, तो मैंने सिर्फ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बस इतना ही मेरा चैट है आज तक। समीर वानखेड़े के पास ना मेरा नंबर है ना मेरे पास उनका नंबर है, शुक्रिया तो सैम ने ही दिया था नंबर। शुक्रिया बात करने के लिए एबीपी न्यूज से। तो कुल मिलाकर इन पर लग रहे सभी आरोपों को नकारते यहाँ पर सुनील पाटिल लिख रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा और केपी गोसावी ने ही ये पूरी डील रची थी। हालांकि समीर वानखेड़े का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है इस बारे में वो ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जानकारी सैम डिसूजा दे सकते हैं, ऐसा सुनील पाटिल का कहना है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।